हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना 12 और 48 का। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 12 और 48, सेंटर में कोमा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले टू देखेंगे कि टू नंबर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो टू लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे टू के टेबल में 12 आता है या आता है। टू के टेबल में तो 48 भी आ जाता है, तो इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे टू ही लेंगे। टू क्यों, क्योंकि एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें हम लीस्ट से स्टार्ट करते हैं, लीस्ट नंबर से। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले टू ले लेंगे। टू के टेबल में 12 आता है 6000, टू के टेबल में 4 आता है 2000, टू के टेबल में 8 आता है 4000। अब 6 है 24 है, तो हम यहाँ पे फिर से टू ले लेंगे, क्योंकि टू के टेबल में 6 भी आता है, 24 भी आ जाएगा। टू के टेबल में 6 आता है 3000, टू के टेबल में 2 1000 और टू के टेबल में 4 2000। यहाँ 3 और 12 आ गया, हम यहाँ पे फिर से 2 ले सकते हैं कि नहीं। देखें, टू के टेबल में तो 3 नहीं आता, आप क्या करें, टू के टेबल में 12 तो आता है ना, एक नंबर भी इनमें से अगर कोई आ रहा है टू के टेबल में तो आप यहाँ पे पहले 2 ही लेंगे। ठीक है, तो टू के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 का 3 वैसे ही लिख लें, टू के टेबल में 12 आता है 6000, तो 6 यहाँ पे लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है 6 है, तो हम यहाँ पे फिर से 2 ले सकते हैं ना, क्योंकि देखें टू के टेबल में तो 3 नहीं आता, इसको वैसे उतार लें, टू के टेबल में 6 तो आता है ना, टू के टेबल में 6 आता है 3000। अब यहाँ 3 3 है, हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, नहीं, टू के टेबल में 3 नहीं आ रहा तो हम 3 ही ले लेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में ही 3 आता है, 3 1 3 आ जाएगा। तो एलसीएम किसका फाइंड आउट करें, 12 और 48 का, कैसे आएगा, इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 3 क्या आते हैं, 6 3 18, 1 कैरी, 3 1 3 और 4, तो 48 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 48 आ गया, किसका एलसीएम 12 और 48 का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।